ठीक है, और एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो हमने पहले करा चुके हैं, कि मान लेकर मैं ये बोलूँ वन, सॉरी से 4 − 3x + 7x² raised to power 20, ये ठीक है, इन दिस मतलब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ से x^5, ये ठीक है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, एक तो ये हम पहले कर चुके हैं, एक पहले हमने कैसे किया था कि इसको एक x मान लिया था, इसको y मान लिया था, और x + y करके ओपन कर दिया, फिर उसमें से x^5 ढूंढ लिया। यहाँ पे तो आप ट्राइनोमियल से कर सकते हैं, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा वैसे कैलकुलेशन वाइज। मान लें ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब कितना पावर चाहिए मेरे को, x^5 चाहिए, तो x तो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से ही बन सकता है, ठीक है। अगर मैंने इस मिडिल टर्म पे 5 से ज़्यादा पावर लिया, तो बाकी टर्म पे कुछ भी पावर लो, x^5 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें पावर हमेशा 5 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मान लिया सारे का सारा एक्स हमने इसी टर्म से बना लिया, इसमें 5 आ गया पावर, अगर इसमें 5 आ गया तो इसमें पावर 0 होना चाहिए, अगर मेरे को x^5 बनाना है, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पे अगर और कोई पावर ले लिया तो एक्स का पावर तो नेट 5 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, तो तीनों पे पावर का सम 20 होना चाहिए, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने अगर यहाँ पे 4 लिया, और नेट पावर मेरे को कितना चाहिए, नेट पावर मेरे को कितना चाहिए, x^5 चाहिए। अच्छा, इसको उल्टा करो, इधर से भूल गए, मतलब उधर से भी हो जाएगा, इसकी तरफ से कर ले, x^2 की तरफ से चल ले। पहले टर्म में तो मान लें इस पे पावर 0 था, ठीक है, फिर मान लें दूसरे टर्म में इस पे पावर 1 हो गया, अगर इस पे पावर 1 हो गया तो x^2 तो यहीं से आ गया, तो फिर और कितना चाहिए, x³, तो इस पे पावर 3 होना चाहिए, तो अगर इस पे पावर 3 है तो 3 और 1 = 4, तो यहीं पे आ गया, और टोटल पावर कितना है, 20। तो सॉरी, इसे पहले वाले में गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 20 पावर है, और अगर 5 यहाँ पे आ गया तो इस पे कितना आ जाएगा, 15, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 20 पावर है, 25 तो इसे पहले वाले क्वेश्चन में था। फिर दोबारा इस पे एक पावर गया, इस पे 3 गया, तो 3 और 1 = 4 तो चला गया, तो 20 में से 4 गया, तो इस पे पावर कितना आना चाहिए, 16। फिर मान लिया हमने इस पे पावर 2 लिया, अगर 2 लिया तो x² का स्क्वायर 4 आ जाएगा, नेट मेरे को कितना चाहिए, 5, तो फिर यहाँ से एक एक्स और लेना पड़ेगा, तो 2 और 1 = 3 हो गया, तो ये 17 हो गया। अगर इस पे पावर मैंने 2 से ज़्यादा लिया, 3 लिया मान लिया, तो यहीं से x^5 क्रॉस हो जाएगा, फिर तो x^5 नहीं बन सकता, तो बस यही 3 तरीके हैं। तो बस हमें तो कोफिशेंट चाहिए, तो देख लिया इसकी इसकी वजह से कोफिशेंट क्या आ जाएगा, इसकी वजह से आ जाएगा 20 × 15 · 5 · 0 ये 15, 5 और 0 हमने क्या लिखा है, इसमें जब हम ओपन करेंगे तो इस टर्म पे पावर 15 आना चाहिए, इस पे 5 आना चाहिए, और इस पे 0 आना चाहिए, तब जो टर्म बनेगा उसमें x^5 नेट बन जाएगा। फिर एक बार अगर मैं ऐसे कर लिया तो भी x^5 बन जाएगा, तो साथ में कितना आएगा, 4 raised to power 15 − 3 raised to power 5 and 7 raised to power 0, 0 factorial is nothing but 0, sorry 1। फिर इसकी वजह से कोफिशेंट कितना आ जाएगा, 20 × 16 · 3 · 1 · 4 raised to power 16 − 3 raised to power 3 and 7 raised to power 1, ये ठीक है। और तीसरे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 20 × 17 · 1 · 2 · 4 raised to power 17 − 3 raised to power 1 और 7 का स्क्वायर, ये कोफिशेंट आ गया, पहले की वजह से इतना, दूसरे की वजह से इतना, तीसरे की वजह से इतना, तो नेट कोफिशेंट क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दिया तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेट करने के लिए ऐसे लिया है, एग्ज़ाम में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है।
ठीक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए हमने क्या किया है, ये आंसर हो गया। और एक इसको और याद कर सकते हो, नोट करके लिख लिया, चलो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन एक्स रेज टू पावर से के होल रेज टू पावर एन, ये ठीक है, विल बी एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ठीक है, इतना हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी एन माइनस के प्लस वन सी के माइनस, सॉरी, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया वैसे, इसको ऐसे याद कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे एक टर्म पे तो ऐसे आएगा, जो अगर मैंने इस ब्रैकेट को एक्सपेंड किया तो एक टर्म तो ऐसे आएगा कि एक्स वन रेस्ट बाय एन आ जाएगा, एक्स वन के ऊपर ही पूरा पावर आ जाएगा। फिर एक ऐसा होगा कि जिसमें एक्स वन पे पावर एन माइनस वन आएगा और एक्स टू पे पावर वन आएगा। फिर एक ऐसा भी आएगा जिसमें एक्स वन पे पावर एन माइनस वन आएगा, एक्स थ्री पे पावर वन आएगा, तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो जो एक जैसे टर्म है उन सबको क्लब कर लिया, ऐसा करने के बाद भी जो टर्म बचेगा जिनको आपस में क्लब नहीं कर सकते, वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वो ये फॉर्मूला बता देगा। ठीक है, अंदर जितने वेरिएबल हैं, मतलब ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, इसमें ऑफकोर्स ये जब ये वैलिड है जब ये अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए सारे के सारे, मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो यहाँ यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स, सेम वेरिएबल आ गया, तो इसे गड़बड़ है। सेम वेरिएबल आने से ये तीन डिफरेंट टाइप के टर्म भी आपस में क्लब होके एक ही पावर देगा, एक्स रेज टू पावर फाइव, ये ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं, ये ठीक है। बस इसको याद रखो कि अगर सारे वेरिएबल अलग अलग हैं तो टोटल टर्म्स इतने आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ से एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड रेज टू पावर 20 विल बी, ठीक है, पहले कितना आएगा एन, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 20, प्लस के का मतलब कितना है, जैसे एक दो तीन चार ऐसे करके कितने टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, उससे वो के है, तो इसमें कितने टर्म है, एक दो तीन, तो अगर तीन है तो टू सी टू, मतलब 22C2, तो 22C2 नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगे जिनको आप इसमें क्लब नहीं कर सकते, क्लब करने के बाद इतने टर्म्स बनेंगे, इतने तरह के टर्म्स बनेंगे। ठीक है, और जिनको अगर PNC आता है उसमें तुम ऐसे देखो, इसका जो एक जनरल टर्म आएगा उसमें पहले वाले पे पावर मान लिया कितना है अल्फा वन, दूसरे वाले पे पावर मान लिया अल्फा टू है, तीसरे वाले पे पावर अल्फा थ्री है एंड सो ऑन, लास्ट वाले पे मान लिया पावर कितना है अल्फा के, ये सब मिलके कितना होना चाहिए एन। तो जितने तरीके से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टिल अल्फा के, ये ठीक है, ये जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये होगा कि मान लीजिए मैंने अल्फा वन का वैल्यू मैंने एन ले लिया, इन सब का वैल्यू जीरो 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 ले लिया, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा कि इसका वैल्यू एन माइनस वन ले लिया, इसका वैल्यू वन ले लिया, बाकी सबका जीरो ले लिया। तो जितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितने तरीके से इसके सोल्यूशन आ जाएंगे, उतने ही टर्म्स बन जाएंगे। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वन पे पावर एन है तो एक टर्म ये भी बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स वन पे पावर एन माइनस वन है इन टू एक्स टू लिखा हुआ है। तो जितने तरीके से सोल्यूशन आ जाएगा उतने ही टर्म बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, जो नहीं पढ़ाया तो PNC में पढ़ोगे, ये ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर ये ना भी समझ में आए तो भी फॉर्मूला लगाना तो आना ही चाहिए, बस जैसे हमने यहाँ समझाया।
ठीक है।